अंबर कहती हैं कि रजी अल्लाह अनहु का क्या मतलब है, क्या ये सिर्फ सहाबी के लिए इस्तेमाल करते हैं या और लोगों के लिए भी। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। ये अच्छा सवाल किया है, रजी अल्लाह अनहु का मतलब अल्लाह उनसे राजी हो गया। इसका लफ्जी तर्जमा तो ये कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, और ज़ाहिर हो ही गया क्योंकि सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो हैं उनके बारे में कुरान ने कह दिया रजी अल्लाह अनु व रजवान। ये माजी का सिगा है कि अल्लाह तबारक व ताला उनसे राजी हो गया। अगरचि ये दुआया कलमा है कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, लेकिन सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से अल्लाह तबारक व ताला चूँकि राजी हो चुका है, लिहाजा सहाबी के लिए इस्तिलाही तौर पर रजी अल्लाह अनु कहा जाता है। गैर सहाबी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता। गैर साहबी के लिए रहमतुल्लाह अलैह इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर ताबी है तबा ताबी है रहिमहुल्लाह ताला कहा जाता है या रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। हाँ, अगर ताबी और तबा ताबी के लिए रजी अल्लाह अन्हु कह दिया जाए तो उसमें कोई मुजायका नहीं है, लुगवी एतबार से वो भी दुरुस्त है। और बहुत से औलिया कामलीन और किबार ताबीन के लिए उलमा जो है रजी अल्लाह अन्हु लिखते भी हैं, उसमें मुजायका कोई नहीं, लेकिन इस्तिलाही तौर पे यह खसूसियत है सहाबा इकराम की कि सहाबा इकराम को रजी अल्लाह अनु कहा जाता है, इसलिए उन्हीं के साथ मखसूस रखा जाए ताकि आपस में कोई इल्तिबास ना हो।